हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप एवरीथिंग विल बी गुड। प्रीवियस सेशन दोस्तों आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट सेशन में, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझसे कॉल करके पूछें। पूछने का कोई चार्ज नहीं है, जब तक समझ में नहीं आया तब तक पूछें, ठीक है। अब हम कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट की नेगेटिव वाली लाइन। जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया है और पास्ट इंडेफिनिट का भी वन लेक्चर ऑलमोस्ट हो गया है, ठीक है। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर है पास्ट इंडेफिनिट की नेगेटिव वाली लाइन, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है बेसिकली मैंने आपको बता दिया है, लेकिन स्टिल मैं आपको फिर बता रहा हूँ। जो भी कार्य हमने भूतकाल में किया था, ठीक है, जो भी कार्य हमने किया था, कल किया था, आज नहीं, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, ठीक है। कर रहे थे नहीं है, इसमें किया था सिंपली पहचान क्या है, जिस भी वाक्य के अंत में आया, गया, खाया, पिया, लिया, दिया, किया था, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, ठीक है। बस ये आपको पहचान रखनी है। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर है पास्ट इंडेफिनिट की नेगेटिव वाली लाइन। नेगेटिव का जैसे कि आप जानते हैं मतलब होता है नहीं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर अच्छे से रट लीजिए, समझ लीजिए और इसको याद कर लीजिए, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, नेगेटिव सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव वाली लाइन में हम क्या करते थे, वर्ब के सेकंड फॉर्म लिखते थे, चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमें, अब हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लिखनी है, ठीक है। चाहे प्लूरल, चाहे सेंटेंस, कोई भी व्यक्ति प्लूरल हो या सिंगुलर हो, हमें क्या करना है, डिड नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट, डिड नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, डिड नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने नोटबुक पर जहां नोट कर रहे हैं उसे नोट कर लीजिए। अब मैं आपको फर्स्ट सेंटेंस कराता हूं और आप इजीली समझेंगे, ठीक है। मैं कल प्लेटफॉर्म पर नहीं सोया था, ठीक है। मैं कल प्लेटफॉर्म पर नहीं सोया था, मैं कल प्लेटफॉर्म पर नहीं सोया था, तो मैं प्लूरल है, जाहिर सी बात है, तो आई, मैं प्लेटफॉर्म पर नहीं सोया था। अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, आई डिड नॉट, ठीक है। स्लेप्ट नहीं लिखेंगे, अब हम फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे स्लीप, आई डिड नॉट स्लीप एट प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के लिए लगेगा एट पर, ठीक है। एट का मतलब होता है पर, प्लेटफॉर्म के लिए लगेगा पर, एट प्लेटफॉर्म कल रात, तो येस्टरडे नाइट, कल रात को हम कहते हैं येस्टरडे नाइट, बीती हुई रात को कहते हैं येस्टरडे नाइट। सेकंड लिखिए, राम ने राजू को नहीं पीटा था, राजू को नहीं पीटा था, राम ने राजू को नहीं पीटा था, तो राम सिंगलर है, तो राम चाहे सिंगलर हो प्लूरल हो डजंट मैटर, राम डिड नॉट बीट किसको, टू राजू, ठीक है, राम ने राजू को नहीं पीटा था। नेक्स्ट लिखिए आप, 5 सेकंड में आपको दे रहा हूं, वे हमारे घर नहीं आए थे, वे हमारे घर नहीं आए थे, तो यू हैव 5 सेकंड मेक द सेंटेंस। गाइस, कोई भी कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सब कुछ कराऊंगा, बिलीव मी, चाहे कोचिंग ज्वाइन करेंगे वहां पर भी यही कराएंगे, इसके अलावा कुछ और नहीं कराने वाले आपको, ठीक है। इसको अच्छे से कर लीजिए, किसी कोचिंग को पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, किसी को अपने आप को ठगवाने की जरूरत नहीं है, जस्ट डू इट, जो मैं करा रहा हूं वो कर लो, उसके बाद मुझसे कह देना सर आपने हमारे साथ चीटिंग की है, हमें कुछ नहीं कराया। 90 डेज का कोर्स है, अच्छे से कर लो, सब कुछ करा दूंगा, ग्रुप डिस्कशन भी करा दूंगा, बस मैं जो मैं करा रहा हूं वो कर लो आप। ये वीडियो समझ में नहीं आए तो इसकी अफर्मेटिव वाली वीडियो जरूर देखें, जब आपको अच्छे से समझ में आएंगे, डे वन से जरूर देखें इसको, बनाइए, वे हमारे घर नहीं आए थे। वे हमारे घर नहीं आए थे, तो वे प्लूरल है, तो वे क्या है, दे डिड नॉट, ठीक है, डिड नॉट कम टू अवर होम, हमारे घर, ठीक है, टू अवर होम। रीता ने कल अपने भाई को पत्र नहीं लिखा था, अपने भाई को पत्र नहीं लिखा था, रीता ने कल अपने भाई को पत्र नहीं लिखा था, तो यू हैव 5 सेकंड मेक द सेंटेंस। रीता ने कल अपने भाई को पत्र नहीं लिखा था, ठीक है, रीता यहां सिंगलर है, तो रीता डिड नॉट राइट अ लेटर किसको, उसके भाई को, टू हर ब्रदर, ठीक है, टू हर ब्रदर, कौन सा,
कल, तो कल, कल के लिए हम क्या लिखेंगे, येस्टरडे, ठीक है, येस्टरडे लास्ट में आएगा। जो दूसरा वर्ब है वो बाद में आएगा, और जो ये दिन होते हैं येस्टरडे टुमोरो ये लास्ट में आते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए आप लड़कों ने तुम्हारी पुस्तकें नहीं चुराई थी, लड़कों ने तुम्हारी पुस्तकें नहीं चुराई थी। यू हैव 5 सेकेंड, मेक दिस सेंटेंस। लड़कों ने तुम्हारी पुस्तकें नहीं चुराई थी, यू हैव 5 सेकेंड। लड़कों ने तुम्हारी, तो द बॉयज, बहुत सारे हैं ना, तो बहुत सारे जो चीज पूरी दुनिया में कॉमन होगी उसके साथ डाल आएगा। द बॉयज डिड नॉट स्टील, चुराने को इंग्लिश में कहते हैं स्टील, ठीक है, स्टील की गलत हो सकती है शायद स्पेलिंग, स्टील। द बॉयज डिड नॉट स्टील योर बुक्स, द बॉयज डिड नॉट स्टील योर बुक, ठीक है, योर्स apostrophe लगा के एस लगा दो तो काफी हो गया, लेकिन ये भी काफी है, तो लिख दो आप, नॉलेज के लिए काफी ठीक रहेगा। द बॉयज डिड नॉट स्टील योर्स बुक, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, मास्टर साहब ने कल कक्षा में व्याकरण नहीं पढ़ाई थी, तो यू हैव 5 सेकेंड, मेक दिस सेंटेंस। मास्टर साहब ने कल कक्षा में व्याकरण नहीं पढ़ाई थी, तो यू हैव 5 सेकेंड, मेक दिस सेंटेंस। मास्टर साहब सिंगलर हैं, तो द टीचर डिड नॉट क्या पढ़ाया था, डिड नॉट टीच, व्याकरण को इंग्लिश में कहते हैं ग्रामर, डिड नॉट टीच ग्रामर, द टीचर डिड नॉट टीच ग्रामर इन द क्लास यस्टरडे, ठीक है, यस्टरडे। नेक्स्ट, माताजी ने मेहमानों के लिए खाना नहीं बनाया था, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन बनाया जाता है खाना, तो जाहिर सी बात है, नाश्ता भी कराया जाता है, तो यहाँ तो सेंटेंस बना रहे हैं। माताजी ने मेहमानों के लिए कल खाना नहीं बनाया था, ये बनाइए, कल मत लिखिए, कल बहुत सारी होगी, तो यू हैव 5 सेकेंड, मेक द सेंटेंस। तो द मदर डिड नॉट कुक द फूड, किसके लिए, फॉर गेस्ट, द मदर डिड नॉट कुक द फूड फॉर गेस्ट, द मदर डिड नॉट कुक द फूड, खाने को इंग्लिश में कहते हैं फूड, फॉर द गेस्ट या फॉर गेस्ट, दावी लिख लो, दो जो पूरी चीज दुनिया में पाई जाती है उसके लिए दा लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, पिताजी ने मुझे दस रुपए नहीं दिए थे, तो जाहिर सी बात है नहीं देंगे जब आप काफी बड़े होगा, खुद काम हो, पिताजी ने मुझे 10 रुपए नहीं दिए थे, तो यू हैव 5 सेकेंड, मेक दिस सेंटेंस। पिताजी ने मुझे दस रुपए नहीं दिए थे, तो फादर डिड नॉट गिव 10 रुपीज टू मी, जो मी है वो लास्ट लिखेंगे, दूसरा वर्ड, द फादर डिड नॉट गिव 10 रुपीज टू मी, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए,
अब्दुल ने कल खाना नहीं खाया था. अब्दुल ने कल खाना नहीं खाया था. यू हैव 5 सेकेंड, मेक दिस सेंटेंस. अब्दुल ने कल खाना नहीं खाया था. अब्दुल कहीं बाजार नहीं गया था. खालिद कहीं नहीं गया था. तो ये इसी तरीके से बनी है. बनाइए. अब्दुल ने कल खाना नहीं खाया था. तो अब्दुल सब्जेक्ट है हमारा. अब्दुल डिड नॉट ईट द फूड यस्टरडे. ठीक है, यस्टरडे. अब्दुल डिड नॉट ईट द फूड यस्टरडे. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए. डॉक्टर साहब ने रोगी को दवाई नहीं लिखी थी कल. रोगी को दवाई नहीं लिखी थी. डॉक्टर साहब ने रोगी को दवाई नहीं लिखी थी. तो यू हैव 5 सेकेंड, मेक दिस सेंटेंस. डॉक्टर साहब ने रोगी को दवाई नहीं लिखी थी. आइए, डॉक्टर साहब सिंगुलर हैं. तो द डॉक्टर या डॉक्टर लिख दो. द डॉक्टर डिड नॉट प्रिस्क्राइब. ठीक है, डॉक्टर जो है प्रिस्क्राइब करता है आपको मेडिसिन. ठीक है, हमेशा याद रखना, प्रिस्क्राइब करता है, लिखता नहीं, प्रिस्क्राइब करता है. तो द डॉक्टर डिड नॉट प्रिस्क्राइब मेडिसिन टू दी, किसको? रोगी को. टू दी पेशेंट. रोगी को इंग्लिश में कहते हैं पेशेंट. वोकैबुलरी भी आप हैंड टू हैंड याद करते हुए चलें. ठीक है दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की मैंने आपको नेगेटिव वाली लाइन भी करा दी है. इसमें जो आपको जो टफ वाले हैं और जो जिनकी जरूरत है आपको मैंने सब कुछ करा दिया है. ठीक है, आप अपने पास से बनाने की कोशिश करिए. नहीं बनते हैं तो मैं आपको बताऊंगा. मेरे व्हाट्सएप पे आप सेंड कर सकते हैं पिक्स, जो भी मतलब आप सेंटेंसेस बना रहे हैं, मैं आपको करेक्शन करके दूंगा अगर उसमें जरूरत पड़ेगी तो. ठीक है, जब तक आपकी समझ में नहीं आए तब तक आप मुझसे पूछो. आपको कोई, मैं फीस चार्ज नहीं कर रहा हूँ पूछने की. जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा है तब तक पूछिए. जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, कोचिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. ठीक है, जो मैं करा रहा हूँ इज सफिशियंट फॉर यू फॉर इंग्लिश स्पीकिंग और फॉर योर बेसिक क्लियरेंस ऑफ बेसिक. बेसिक क्लियर करना है किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए तो दिस चैनल इज मस्ट सब्सक्राइब, जहां मैं आपको बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा सारा का सारा कोर्स. और इसके बाद करने का देख लेना, किसी कोचिंग की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, अगर ये सेशन समझ में नहीं आया तो आप इसकी प्रीवियस वीडियो देखें, उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में है और मैं अपना फोन नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं. और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें ताकि आने वाले लेक्चर का मेरा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे. आज का लेक्चर हम यही कंक्लूड करते हैं. अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे आपको इंटरोगेटिव वाली लाइन में. ठीक है, बट प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. ठीक है, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग और प्लीज कीप सब्सक्राइब. थैंक यू.